देखो स्पेसिफिकली विराट इम्पोर्टेंट है ना, सबको पता होता है, बड़े विशाखापट्टनम है, रिसेंटली बना है, इंडिजिनस है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। माइनस विशाखापट्टनम क्या है, जो हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करें क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिया ने कमीशन किया था फर्स्ट प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर 2021 में, ये इंडिजिनसली बिल्ट है, खुद बनाया है हमने डिस्ट्रॉयर ना इंडियन नेवी के लिए। यहाँ पर जो इंडिया है इसमें स्पेसिफिकली क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, स्टेल्थ हम कहते हैं ना कि जब जा रहे हैं तो स्टेल्थ, इंडिया में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापट्टनम के अंडर, फॉर्मली इसको विशाखापट्टनम पोर्ट में है ना इंडक्ट कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ बातें है ना, जैसे किस चीज के लिए ये नेम किया गया, आंध्र प्रदेश में हिस्टोरिक सिटी है विशाखापट्टनम, सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर इसको कमीशन किया गया था, 315 लोग इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और ये लीडशिप है जो हमारा प्रोजेक्ट है P-15B क्लास जो हमने बनाया ना गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, इसके अंडर बनाया गया है, इसको कमीशन कर दिया गया है 21 नवंबर 2021 को। और जो शिप है इस सिंबलाइज क्या कर रहा है कि हमारे, देखो ना अब हमारी खुद की जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है वो मैच्योर हो चुकी है ना, मैच्योर्ड शिप बिल्डिंग कैपेसिटी यहाँ कैपेबिलिटी इसमें आ रही है। और कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स की हम बात कर रहे होते हैं कि ना हमने अचीव करना है आत्मनिर्भर भारत, उस सब के अंडर इसमें काफी काम हो रहा है। इसका मेन जैसे हम बात करते हैं ना कि यशो ना लाभस्व, ये क्या है, संस्कृत में कहा जाता है टू अटेन ग्लोरी, तो ये इसका तो कहा जाता है ना कि मोटो अटेन ग्लोरी, ठीक है, ये फ्रेज इनका है। इसमें ये कहीं ना कहीं टू अटेन ग्लोरी इसकी जो स्पिरिट है उसको शो करता है, ठीक है ना, कैपेबिलिटीज है इस शिप की उसको शो करता है। विशाखापट्टनम क्लास इसे कहा जाता है, जैसे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, P-15 प्रोजेक्ट, P-15 हमने प्रोजेक्ट चलाया था इंडिया में, उसके अंदर इसको बनाया गया है, कमीशन किया गया है। और फिर जैसे इसकी मेडन विजिट आपके पोर्ट की पार्टिसिपेट करने के लिए भी चली थी, जैसे प्रेसिडेंटल प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू होता है उस टाइम पर प्रेसिडेंट आते हैं, तो ये मिलान 2022, मिलन जब हुआ था 2022 वहां पर प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में ये था। फ्लीट रिव्यू क्या है, हमारा एक ट्रेडिशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, इसमें नेवी जितने वर्ल्ड की है ये आती है, न असेंबली होती है यहाँ पे शिप्स की, और एक हम कहते हैं कि एक पहले से डिस्टिंक्ट प्लेस है इसमें आएगी और फिर अपनी लॉयल्टी एलिजेंस सॉवरेनिटी स्टेट के लिए दिखाती है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि इसका ना फीचर्स INS विशाखापट्टनम की क्या क्या है, इसमें स्पेसिफिकली एक आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर रहेगा ना, यहाँ पर ओवरऑल लेंथ इसकी 164 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 7500 है ना टन, फर्दर है ना विशाखापट्टनम में हम बात कर रहे हैं कि मल्टीटास्क एक साथ कर सकता है, जैसे मिशन इसका एक तो ना जो टाइम पीरियड है पानी में रहने का वो ज्यादा है, और अलग अलग एक्टिविटीज कर सकता है, जैसे वॉरफेयर है तो लड़ाई के टाइम पर इसको यूज किया जा सकता है, इसमें वेपन्स लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ना सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी है ना इसको भी इससे छोड़ा जा सकता है। बराक मिसाइल है, बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जैसे ऊपर से जेट जा रहा है उसको मारना है, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस, ब्रह्मोस किसके साथ बनाई है हमने, रशिया के साथ डेवलप करी है ना, हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हमारी बहुत लंबे एक तरह सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली हमारी मिसाइल है ब्रह्मोस, तो यहाँ पर मीडियम और शॉर्ट रेंज गन्स है इसके अंदर लगी हुई, ठीक है ना, एंटी सबमरीन रॉकेट्स लगे हुए हैं, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, कम्युनिकेशन है ना सूट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, और जो डिस्ट्रॉयर है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड जो हमारा एंटी सबमरीन वेपन सेंसर्स है, ठीक है, प्रोमिनेंटली जो हमने इंडिया ने खुद डेवलप किए हुए, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम कहते हैं कि हल माउंटेड सोनार HAMSA-NG, ठीक है, HAMSA-NG जो है हमारा ये हैवी वेट टॉर्पिडो ट्यूब लॉन्चर्स है, रॉकेट लॉन्चर्स है, ये क्या पानी के अंदर जो सबमरीन जा रही है उसके ऊपर भी है ना लॉन्च कर सकता है टॉर्पिडो, ये HAMSA-NG जो है हमारी थर्ड जनरेशन इंडिजिनस है ना शिप बॉर्न हल में जो माउंट किया गया सोनार सिस्टम है, ये डिजाइन किसने किया है, नेवी फिजिकल और ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी DRDO कोचिंग है ना, इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर के साथ साथ में डेवलप किया है। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखें थीम्स जो इसके अंदर रहेंगे,
उमसा एनजी है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा एक्टिव कम पैसिव इंटीग्रेटेड शिप सोनार है, जिसको इंस्टॉल किया गया है नेवी ने स्पेसिफिकली, जो हमारे ना कुछ फ्रिगेट्स, कुछ ही फ्रिगेट्स में जैसे एएसवी कॉर्वेट्स है और क्लास शिप्स है इसके अंदर है। तो यहाँ पर जो विशाखापट्टनम शिप है ये अकोमोडेट कर रही है इसको। इसके अलावा यहाँ पर 312 लोग हैं, ठीक है। और कहाँ तक ये जा सकते हैं, कितनी दूर तक, 4,000 नॉटिकल माइल्स। और टिपिकली 42 डे मिशन कोई भी होगा उसको कर सकती है। और एक्सटेंडेड मिशंस भी इसके अंडर हो सकते हैं। एक्सटेंडेड मिशंस में क्या होगा, थोड़ा सा वही होता है ना कि एक जगह गए वहां से अगर रिफ्यूलिंग हो जाती है और दोबारा से मटेरियल इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसके बाद ये और ज्यादा आगे भी जा सकती है। अगर शिप की हम बात करेंगे, इसको प्रोपेल कैसे किया जाता है, यहाँ पर कंबाइंड गैस है ना, गैस एंड गैस कोगैक्स, ये प्रोपल्शन प्लांट इसके अंदर लगा हुआ है, जिसके बेसिस पर, जिसकी वजह से दूर तक जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन्स है। इससे क्या फायदा होता है कि 30 नॉट्स तक आप ले सकते हो स्पीड, अप्रोक्सीमेटली 55 किलोमीटर पर आ रहा है, इतनी स्पीड ये ले सकता है। और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि इसमें रिवर्स टर्बाइन भी लगी हुई है, तो अगर आपने मोड़ना है शिप को बहुत स्पीड में किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर कंडीशन है, इसमें भी ये लड़ सकता है। बाहर अगर केमिकल अटैक हो गया है, बायोलॉजिकल अटैक हो गया है, तो ये हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस किसने बनाया है ना, ये रशिया ना, रशिया के साथ डीआरडीओ, हिंदुस्तान की तरफ से डीआरडीओ है और एनपॉम, ये रशिया का है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को, ये दोनों रिवर्स है, इनके नाम पे बना हुआ है ब्रह्मोस, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ब्रह्मोस के अंडर, एक इसमें दो स्टेज है, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है पहला स्टेज है ना, और फिर एक लिक्विड रामजेट ये सेकेंड स्टेज पे होता है। तो टू स्टेज है, एक सॉलिड एक लिक्विड, ठीक है। रामजेट इंजन इसके अंदर लगा हुआ है और ये मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जमीन से छोड़ी जा सकती है, अभी हमने देखा, ठीक है, विशाखापट्टनम में तो पानी के अंदर भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो वही है कि मल्टी हमारा ये प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी मिसाइल ये बन चुकी है। तो इसमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी से होता है, दिन को रात को बिना ना वेदर कंडीशंस जैसी भी हो छोड़ा जा सकता है। एक फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल होता है इसमें। फायर एंड फॉरगेट में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो टारगेट है, इसमें अगर टारगेट को लॉन्च लॉक कर दिया है, लॉन्च के बाद फिर वो अपने हिसाब से मैनूवर करता है। क्रूज मिसाइल का ये फायदा होता है। अब जैसे एक बार आपने छोड़ दी, अब वो टारगेट अगर थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा है तो ये अपने हिसाब से खुद मैनूवर करती है। कुछ में ऐसा होता है कि जैसे आपने छोड़ा, आपने उस जगह के लिए छोड़ा था, अब अगर वो टारगेट हिल गया तो फिर वो नहीं, उस वो वहां टारगेट वहां टकराएगा जहां पर आपने टारगेट किया था। अगर यहां पर इसका क्या फायदा है, मूविंग चीजों पर भी इसको छोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है करंटली जो ऑपरेशनल डिप्लॉयड है, मैक 2.8। मैक क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड है ना, तो नियरली 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड है। मैक जो हम टर्म यूज करते हैं साउंड के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट जैसे 15B की हम बात कर रहे होते हैं, तो इसमें 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ना प्रोजेक्ट, ये हमने 15B बनाया गया था। तो इसमें क्या है, मजगांव डॉक शिपिंग बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, इसके अंडर हो रहा है। इनको 4 शिप्स बनाने के लिए 2011 में प्रोजेक्ट दिया गया था। तो ये शिप्स क्या होंगी, जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल सिस्टम इसके अंदर इधर डिस्ट्रॉयर्स डेवलप करते हैं। और हम क्या करें, इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान के अंदर मेजोरिटी चीजें हम खुद बना रहे हैं इसमें। तो स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें वेपन सेंसर्स पैकेज लगे हुए हैं, स्टेल्थ फीचर्स लगी हुई है। स्टेल्थ में क्या होता है ना कि पता नहीं लगता है कुछ, मतलब इस तरीके से पेंट वगैरह किया होगा, डिजाइनिंग ऐसे की होगी कि जैसे दूसरे होते ना, सोनार तो चलो पानी के अंदर होता है, जैसे ऊपर ये हम क्या कहेंगे रडार है ना, रडार के अंदर ये नहीं आएंगे कि मतलब इतना बड़ा शिप आ रहा है, वो इस तरीके से डिजाइन किया है, पेंटिंग ऐसे की है ताकि वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें P-15B ships है ना, इनकी क्या क्या बेनिफिट्स है, एक तो हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देख रहे हैं इसमें लगी हुई है। इसके अलावा इंडिजिनस वेपन्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर सैम्स जिसे हम कहते हैं सैम, इंडिजिनस ये टॉर्पिडो ट्यूब लॉन्चर्स इसमें है, एंटी सबमरीन इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स इसमें लगे हैं, सुपर रैपिड गन्स इसके ऊपर लगाई गई है। इस वजह से हमारा वही ना कि प्रोजेक्ट P-18 P-15B ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 3 शिप्स है ना, तो सेकेंड शिप आपकी
ये P-15 भी, ये मोरमोगाव है ना, ये थी लॉन्च 2016 में की गई थी, और थर्ड शिप है इम्फाल 2019 में एडवांस स्टेजेस में आउटफिटिंग की है, फोर्थ शिप सूरत है, ये ब्लॉक इरेक्शन लॉन्च किया जाएगा इसका फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ये सारे एस्पेक्ट्स है क्यों इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए, अगर हम प्रोजेक्ट P-15B की बात करें ना, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सेफ गार्ड करने के लिए बढ़ा रहे। क्योंकि देखो हिंदुस्तान में इशू क्या है, अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा ना कि जो ये मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक के पीछे रीजन क्या था, ये वही ना, हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है ना, हम उसको नहीं अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, हमारी सर्वेलेंस कम है इन एरियाज में, तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं लार्ज कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर और 1100 ऑफशोर आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पर हमारा अराउंड 2.01 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम क्या कह रहे हैं कि जो 200 नॉटिकल माइल्स कंट्री की टेरिटरी से बाहर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारे पास क्या पावर होती है, तो स्पेसिफिकली ईईजेड में हम एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, बाकी कोई और कंट्री मान लो अगर वहां आके, देखो पैसेज का फ्री होता है, अगर कोई आना चाहे ट्रैवल करना चाहे वो हमारे टेरिटोरियल वाटर, जैसे हम कहते हैं 12 नॉटिकल माइल, तो टेरिटरी जहां पर जमीन खत्म हो रही है उससे 12 नॉटिकल माइल के अंदर किसी ने घुसना है वो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, उसमें तो प्रॉपर परमिशन चाहिए, अगर कोई वहां घुसता है तो वहां पर हम अटैक भी कर सकते हैं बिना बताए अगर कोई आ रहा है ना, ईईजेड में लोग ट्रैवल कर सकते हैं है ना, 12 नॉटिकल माइल के बाद लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, और बस वहां इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मान लो कोई ड्रग वगैरह का ट्रेड कर रहा हो वो बस 200 नॉटिकल माइल तक हमने ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि मान लो कोई ड्रग्स इधर उधर कर रहा है या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पर हो या फिर पोल्यूटिंग एक्टिविटीज हो, वो भी हमने देखना है। देखो 200 नॉटिकल माइल के बाहर अगर कोई पोल्यूशन भी करता है तो फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हो किसकी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है, फिर UNCLOS देखेगा, फिर वो कंट्री नहीं देखती, ठीक है, कहीं ना कहीं ईईजेड बहुत बड़ा हो जाता है इसी वजह से। और स्पेसिफिकली देखो ना इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में कितना ट्रेड होता है, वो हिंदुस्तान के कितने नजदीक से ही जाते हैं ना वो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंडियन ओशियन के अंदर से थोड़ी जाएंगे, तो 200 नॉटिकल माइल के अंदर से ही जा रहे होते हैं, तो वहां पर पायरेसी की प्रोटेक्शन, पायरेसी को रोकना ये भी हमारा काम है। इसके अलावा जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये डिप्लॉय किए जाते हैं अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, जैसे नेवर फ्लीट्स होएगी, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उस टाइम पर उसको प्रोटेक्ट करना, समझे ना, कैरियर बैटल ग्रुप्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं नेवर फ्लीट्स, जैसे कोई भी एयर सरफेस अंडर वाटर थ्रेट कोई भी आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना जो फ्रिगेट्स हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये एयर में भी अटैक करता है ना, एक तरह से लैंड के ऊपर या पानी में कोई आ रहा है, और अंडर वाटर इवन सबमरीन्स की भी हमने बात करी है ना, तो तीनों लेवल पे हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये सब एस्पेक्ट्स है इसमें जो हमने डिस्कस करें।